पीएम मोदी ने ब्लैक हैट, स्टाइलिश चश्मा, प्रिंटेड टी शर्ट और खाकी रंग की हाफ जैकेट पहनकर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। हर तरफ जंगल सफारी में पीएम मोदी के लुक की तारीफ की जा रही है, लेकिन विरोधियों का क्या है? वो तो हर बात में बुराई निकालेंगे ही और बिना बात के तंज कसेंगे। तो अब पीएम मोदी के विरोधी चिढ़ गए हैं और उन पर तंज कस रहे हैं, जैसे एक्टर प्रकाश राज, जो कि एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं पीएम मोदी को ट्रोल करने का, लेकिन खुद ही ट्रोल हो जाते हैं। दरअसल पीएम मोदी रविवार को मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर बाघ जनगणना रिपोर्ट और बाघ संरक्षण के लिए सरकार के विजन को जारी करने के लिए पहुंचे, जहां पीएम मोदी का अलग अंदाज देखने को मिला, जिस पर अब एक्टर प्रकाश राज ने तंज कसा है। उन्होंने पीएम मोदी की जंगल सफारी की तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा है, टेल मी हु आई एम, प्रचार मंत्री और प्रधानमंत्री। अब प्रकाश राज ने जिस तरह से पीएम मोदी पर तंज कसा है, उस पर जनता भड़क गई है और उन्हें ट्रोल कर रही है, जैसे एक यूजर ने प्रकाश राज का मजाक उड़ाते हुए लिखा है, आर यू प्रकाश राज और बकवास रोज। दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए और पीएम मोदी की तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा है, चमचों के पीछे से जलने की बू आ रही है। एक और यूजर ने लिखा, ही इज प्रधानमंत्री अगेन, विल बी प्रधानमंत्री इन 2024, हु इज हेल्पिंग टू रन योर ट्वीट एंड ब्रेड एंड बटर। एक और यूजर ने लिखा, इसके आज के खाने पीने का जुगाड़ हो गया है, मोदी जी की वजह से कितने नल्लों का भला हो रहा है। एक और यूजर ने लिखा, अप्लाई बर्नॉल, यू विल फील बेटर। तो कुछ इस तरह से हमेशा की तरह प्रकाश राज ट्रोल हो गए हैं। बता दें, प्रकाश राज बस मौका ढूंढते हैं पीएम मोदी पर निशाना साधने का। वो पीएम मोदी को लेकर इतने ट्वीट्स कर चुके हैं कि अब तो लोग कहने लगे हैं कि प्रकाश राज पीएम मोदी के फैन, उनसे ऑब्सेस्ड है। खैर, आपको बता दें, पीएम मोदी रविवार को मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर बाघ जनगणना रिपोर्ट और बाघ संरक्षण के लिए सरकार के विजन को जारी करने के लिए पहुंचे थे। वहां पीएम मोदी कभी कैमरा से तस्वीर लेते हुए नजर आए, तो कभी हाथी को अपने हाथों से गन्ना खिलाते हुए नजर आए, तो कभी दूरबीन की मदद से नजारों का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इतना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हो, कानूनी कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कानून को काम करने देना चाहिए कि नहीं करने देना चाहिए? और इसलिए ये लोग तिल मिलाए हुए हैं, बौखलाहट में कुछ भी किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तो ऐसे कई राजनीतिक दल को अदालत में चले गए, कोर्ट के पास पहुंच गए थे कि हमें सुरक्षा दो, ये हमारे भ्रष्टाचार की किताबें कोई खोले नहीं। कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने वहां भी उनको झटका दे दिया और क्या वापस भेज दिया। भाई और बहनों, जब सबका साथ सबका विकास की भावना से काम होता है, तो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र मजबूत होता है। तब वंचितों, शोषितों, पीड़ितों को वरीयता मिलती है, और यही तो बाबा साहब आम्बेडकर का सपना था, यही तो संविधान की सच्ची भावना।